रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब क्या हुआ कि एक जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कहाँ से बनेगा? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनेगा और सेम स्पीशीज रहता रहेगा। मतलब बिल्ली का बच्चा बिल्ली रहेगा, शेर का बच्चा शेर रहेगा, डॉगी का बच्चा डॉगी ओके रहेगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो पहली बात की टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ। अगर सारे डॉगी बोलते हैं हमसे हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे डॉग्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर सारे डॉग्स क्या हो गए, खत्म हो गए, तो बिल्लियों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्लियों की पॉपुलेशन क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं रहेगा उनको। आ रही बात समझ में? लेकिन चूहों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बिल्लियां बढ़ गई तो वो चूहे को ज्यादा खाएंगी। तो सेकेंड रीजन, इससे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, टू मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑन अर्थ। हर स्पीशीज का पॉपुलेशन मेंटेन करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो पॉपुलेशन कौन मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन से मेंटेन होता है। क्योंकि कोई भी एक स्पीशीज अगर एलिमिनेट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत सारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होंगे। ठीक है, अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अपने आप में कितने टाइप का होता है? तो हमने बोला दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं मिलते। गैमीट क्या होते हैं, स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, आधे। जैसे कि ह्यूमंस में एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46। ठीक है ना, इसको बोलेंगे 2n। मदर सेल में कितने रहेंगे, 2n 46। और डॉटर सेल्स में भी कौन रहेंगे, 2n 46। और 46 मतलब कोई भी डिविजन ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ में रिड्यूस नहीं हुए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट स्वॉर्म होते हैं। मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, यानी कि एक नॉर्मल मेल का जो सेल रहेगा वो मियोसिस नाम का सेल डिवीजन अंडरगो करेगा, और वो उससे क्या बना लेगा, स्पर्म बना लेगा। और अगर नॉर्मल मेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो स्पर्म में कितने होंगे, 23, 46 के आधे। वैसे ही फीमेल में ओवम या एग बनेगा, जिसके अंदर नॉर्मल कितने होते हैं सेल में, 46, लेकिन एग या ओवम में कितने होंगे, 23। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होगा तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तो 23 + 23 कितने बन जाएंगे, 46। तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मोड ऑफ सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, और सेक्सुअल में कौन सा होता है, मियोसिस। एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम आती है, सेक्सुअल में वेरिएशंस ज्यादा आती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको हम लोग डीएनए कॉपिंग कहते हैं। डीएनए कॉपिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाला है, छप चुका है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ एग्जाम में डीएनए कॉपिंग ना आया हो। आ रही बात समझ में? तो एग्जाम में जब डीएनए कॉपिंग आएगा तो ये क्वेश्चन हेरिडिटी से भी आ सकता है, रिप्रोडक्शन से भी आता है। हम लोग आंसर किसका लिखेंगे, ये वाला रिप्रोडक्शन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली दो पॉइंट दिए हैं जो वैल्यूएटर पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं जब एक सेल डिवाइड होता है, क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होता है तो नए सेल्स बनते हैं। अब जो नए सेल्स बनते हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ऐसे में अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो नए सेल के पास डीएनए अमाउंट आधा ही जाएगा। आ रही बात समझे? मतलब समझो, मेरे को क्या करना है, हीर और अनुष्का को एक चॉकलेट देनी है। ठीक है ना, तो एक चॉकलेट अगर दूंगी तो तोड़ के देनी पड़ेगी, तो दोनों के पास आधी आधी आएगी। तो लेकिन मुझे तो इनको क्या करनी है, पूरी चॉकलेट देनी। तो मैं जादू करूंगी, क्या करूंगी, जादू। कैसा जादू करूंगी, मैं इस चॉकलेट को आबरा का डाबरा करके पहले दो बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी,
दो, दो और फिर एक चॉकलेट अनुष्का को दूंगी और एक चॉकलेट किसको दूंगी, वीर को। तो मुद्दा यह है कि मैं आधी चॉकलेट क्यों नहीं दे सकती, आधी चॉकलेट तो दे सकते लेकिन आधा अमाउंट ऑफ वीर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते आधा अमाउंट ऑफ डीएनए? ड्यूरिंग डीएनए के पास एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती, तो अगर उसका अमाउंट आधा हो गया तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सही से बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए हर बार जब नए सेल्स बनते हैं उसके पहले डीएनए क्या करता है, खुद को कॉपी करता है, खुद का एक कॉपी बनाता है, तो दैट पेरेंट्स में टेम्परेली कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, कॉपी होकर डबल हो जाता है, ताकि जब वो न्यू सेल्स को अपना डीएनए दे तो नेक्स्ट जनरेशन को पूरा डीएनए मिले, आधा आधा नहीं मिले। इज दैट क्लियर? दूसरा, डीएनए कॉपिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होती तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर आएगी। क्या होगा? कुछ ना कुछ एरर आएगी, और क्योंकि कुछ ना कुछ एरर आएगी तो जो ओरिजिनल डीएनए होगा और जो कॉपी डीएनए होगा इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, और वेरिएशन लाना या होना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि वेरिएशन जो रहता है वो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? आगे जाएं, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन एसेक्सुअल मोड? ये क्वेश्चन आएगा, या फिर ये क्वेश्चन आएगा व्हाई आर वेरिएशंस इंपॉर्टेंट, या फिर ये क्वेश्चन आएगा व्हाई आर वेरिएशंस बेनिफिशियल टू अ स्पीशीज रादर देन एन इंडिविजुअल। अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल में एक बार एग्जाम में पक्के से आता है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के इंडेक्स में भी है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, आंसर तो यही है, और जेन्युइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएशन हमने बोला डीएनए कॉपी का सेकेंड पॉइंट क्या था, कि डीएनए कॉपिंग से वेरिएशंस आती है, और वेरिएशंस क्या करती है, स्पीशीज के सर्वाइवल चांसेस क्या कर देती है, बढ़ा बढ़ा देती है। देती ओके, तो कैसे बढ़ाती है? तो हमने कहा सपोज वेरिएशंस ना होती तो हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अपने निश के हिसाब से क्या रहते, अडैप्टेड रहते। अपने निश मतलब वो छोटा सा एनवायरनमेंट जहां मैं रह रही हूँ, तो मेरी बॉडी एज ए ह्यूमन बींग उस एनवायरनमेंट से क्या है, अडैप्टेड है। तो हम सबकी बॉडी एक जैसे होती है, सब हम सारे लोग 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाते, गलती से टेम्परेचर 35, 38, 40 हो गया तो हम सारे के सारे मर जाएंगे। हम सबकी बॉडी हमारे निश, क्योंकि हम तो यही रहते हैं, अच्छा तो हमारे निश के हिसाब से हमारा जो लोवेस्ट बियरेबल टेम्परेचर है वो 14-15 डिग्री, यानी कि किसी दिन इंदौर में 7-8 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, हम सब मर जाएंगे, क्योंकि हम में से कोई भी इस टेम्परेचर 14 से लेके 27 के बीच के बाहर जो है इसके अलावा कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाते। हम सबकी बॉडीज बिल्कुल एक जैसी है, हमारे पास कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में अगर हमारा नेश कोई भी ड्रामेटिक चेंज अंडरगो करता है, ड्रामेटिक चेंज मतलब ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर बढ़ जाना, या हमारे घर पे ही एक मीटियोर इंडिया को स्ट्राइक करे सीधे इंदौर आके, आ रही बात समझ में, तो साइक्लोन आ जाए, तेज हवाएं, कुछ भी हो जाए, ऐसा फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, वाटर लेवल चेंज हो जाए, तो ऐसे में हम सारे ही निपट जाएंगे। लेकिन 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 अगर हमारे अंदर कुछ वेरिएशन हुई, यानी कि जो सब्र है ये 40 तक टेम्परेचर टॉलरेट कर लेती है, या जो है ये 50 तक कर लेता है, ये -4 भी झेल लेती है, ये 0 भी झेल लेती है, तो ऐसे में हम जो आम लोग हैं जिनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, हम तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पर ह्यूमंस में यश सरवाइव कर जाएगा, सब्र सरवाइव कर जाएगी, ही सरवाइव कर जाएगी और आंचल सरवाइव कर जाएगी। ऐसे में हमारी पूरी स्पीशीज खत्म नहीं होगी, ये लोग सरवाइव करेंगे, इनके अपने अपने बच्चे होंगे, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंदौर से खत्म नहीं होगी। तो इसलिए मेजर पॉपुलेशन खत्म हो भी जाए, लेकिन वो लोग जिनके पास थोड़ी भी फेवरेबल वेरिएशन है वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव भी करेंगे, वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। जैसे चूहे रहते हैं, चूहे आग बहुत मतलब फायर जो रहती है बहुत सही सर्वाइव कर लेते हैं कुछ स्पीशीज, तो अगर आग लगती है तो कुछ चूहे ऐसे रहेंगे जो सांप को क्या कर लेंगे,
सर्वाइव कर लेंगे तो सारे के सारे चूहे अर्थ से खत्म नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे में कुछ चूहे क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे, तो चूहों की पॉपुलेशन या स्पीशीज कभी भी खत्म नहीं होगी. होगी। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी? यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? खत्म.